फॉर्चून 709 टैरो, तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए टाइम टू टाइम मेरा चैनल और कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आइए बात करते हैं आज की हमारी रीडिंग की। आज की रीडिंग होने वाली है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग्स हमारी जेंडरलेस होती हैं और टाइमलेस। टाइमलेस का मतलब गाइस, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, बट फॉर नेक्स्ट 15 डेज जो भी आपके होने वाले हैं दिसंबर महीने के स्पेशली। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है धनु राशि के लोगों के लिए। जी हाँ, सैजिटेरियस पीपल, फॉर नेक्स्ट 15 डेज सैजिटेरियस लोगों का क्या कैसा जाने वाला है दिसंबर का महीना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सैजिटेरियस, हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे मंथ चल रहा होगा, सो डेफिनेटली हैप्पी बर्थडे गाइस। अब स्टार्ट करते हैं हमारे 15 दिन सैजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी आपका लकी कलर, लकी नंबर, एनर्जी एंड एडवाइस जो आपको फॉलो करनी है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं सैजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई कैन सी। एंड उसके नेक्स्ट हमारा कार्ड यूजुअली मैं लेती तब हूँ जो मेरी इंट्यूशन कहती है, तो लवर्स आया है। सो डेफिनेटली कोई यूनियन होते हुए मेरे को नज़र आ रही है, जिससे आप काफ़ी टाइम से सेपरेटेड थे, तो उनसे, उस इंसान से आपकी यूनियन हो जाएगी। एंड डेफिनेटली वो यूनियन के बाद आपकी मैरिज है। नेक्स्ट 15 डेज में कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी धनु राशि के लोगों के लिए बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, द मून, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, सॉरी गाइज, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, मुझे यहाँ पे अगले 15 दिनों के लिए धनु राशि के लोगों के लिए, पहले तो ऐसा लग रहा है कि जो आप सोचते थे कि सारा बर्डन फैमिली का, लाइफ का आपके कमज़ोर कंधों पर है या आपके कंधों पर है, तो वो चीज़ ऐसी नहीं है। वो चीज़ सॉर्ट होते हुए मेरे को नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एंड अब बात करते हैं शुरुआत से किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके फादर से आपकी बहुत बनने वाली है, ही विल गाइड यू जो भी आप उनसे सजेशन लेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। स्पेशली मेरे को ऐसा लग रहा है लव लाइफ से रिलेटेड आप सजेशन ले सकते हैं अपने फादर से। द मून गाइज हमें, मेरे को ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, कुछ केसेस में छुपी हुई हैं और वो सामने नहीं आई हैं, और वो सामने अभी नहीं आई हैं, या अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन कुछ केसेस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने पहचान लिया है कौन मुखौटा अपने मुंह पे लगाए आपका अपना बना फिर रहा था और या फिर रही थी, बिकॉज इट इज़ अ जेंडरलेस रीडिंग। सो आप अकॉर्डिंगली जेंडर स्विच कर लीजिएगा। सो कुछ लोगों का झूठ कहूँ, जो आपका अपनापन, अपना होने का ढोंग कर रहे थे और आपसे जबकि जेलस थे अंदर ही अंदर, सो वो आते हुए आ रहा है मेरे को।
सामने आते हुए नज़र आ रहा है कि वो सामने आएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। एंड मेरे को पता नहीं क्यों इट इज़ अ चैनल्ड मैसेज कि किसी टाइप का धोखा भी मिल सकता है आप लोगों को। सो गाइज प्लीज़ बच के रहिएगा फॉर नेक्स्ट 15 डेज सजिटेरियस पीपल। लव लाइफ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास। एंड जैसे कि मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया कि कुछ केसेस में 70% केसेस में आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स में को ये बता रहा है कि आप स्ट्रगल करके नाउ यू आर अ विनर। अब आप अपनी स्ट्रगल्स जो आपने की हैं उनसे आप लोगों ने जीत हासिल करके आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स भी यही कह रहा है, जो लाइफ आपकी स्टक थी पहले कुछ दिनों में या इस साल में मैं कहूँ, तो वो मोमेंटम में आ रही है, वो मूवमेंट में आती हुई नज़र आ रही है और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले 15 दिन में आप अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। कहूँ तो आपके फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है, बिकॉज़ यू विल टर्न इनटू अ वर्कहोलिक। आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे काम करने वाले हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। आइए देखते हैं अगले 15 दिन के लिए धनु राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। गाइस सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई, आपकी लव लाइफ के बारे में तो मैंने बात करी, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। एंड गाइस हेल्थ आपकी थोड़ी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला आप वर्कहोलिक हो जाएंगे तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, तो वो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। थोड़ा इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं आप लोग, ये भी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके गाइस आइए बात करते हैं आपके लकी कलर और लकी नंबर की। तो लकी नंबर आप लोगों के लिए होने वाला है नंबर 6 एंड नंबर 8। जी हाँ, नंबर 6 और नंबर 8 धनुराशि के लोगों के लिए बहुत लकी होने वाला है। एंड लकी कलर की बात करूँ तो येलो विल बी द लकी कलर। ओके, येलो कलर आपका लकी होने वाला है। आइए देखते हैं अगले 15 दिन के लिए आपकी क्या एनर्जीज हैं। हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं धनु राशि के लोगों के लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं और खुशनुमा माहौल जैसे कि हमारे पास आया भी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो कि शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन, किसी टाइप का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, नॉट टिपिकली शादी। सो खुशनुमा माहौल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब या तो आप कोई डील साइन करने वाले हैं फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक फाइनेंसेस में और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, डेफिनेटली कोई चेंज, कोई बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर सजिटेरियस पीपल, धनुराशि के लोगों के लिए कुछ केसेस में मैं ये फील कर पा रही हूँ 20% ऑफ द केसेस में एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। फोर्थ चक्रा, आर्क एंजल रफेल आपको ये कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, जो भी आपकी गट फीलिंग है उसे इग्नोर मत कीजिएगा। वो एक तरीके का साइंस होंगे, वो मैसेजेस होंगे जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है और जिन मैसेजेस से आपको प्रोटेक्शन देना चाह रही है यूनिवर्स। ओके गाइस, सो आइए चेक करते हैं क्या एडवाइस आप लोगों को फॉलो करनी है फॉर नेक्स्ट 15 डेज ऑफ डिसम्बर। हमारे पास कार्ड आ गया है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। ये एडवाइस है आपके लिए। ये एडवाइस क्या कहती है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली आपके लिए मैं कहूँ कि एक परफेक्ट एडवाइस है फॉर सजिटेरियस पीपल। आपको भरोसा रखना है, पॉजिटिव रहना है, बिकॉज पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है आप जैसे इतना पॉजिटिव होंगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ और पॉजिटिविटी आपके पास
आएगी। न्यूटन का लॉ भी कहता है फॉर एवरी एक्शन देर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि फेथ रखिए ह्यूमैनिटी में और बेनिफोलेंस में, शांत रहिए और अच्छाई देखिए, पॉजिटिविटी देखिए हर चीज़ में। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी हैं तो यूनिवर्स को बोलिए थैंक यू सो मच कि आपने ये दिया, मैं इससे इतना स्ट्रांग हो गया हूँ या हो गई हूँ, एंड आपने एक तरीके से मेरे को ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज दे दी कि मेरे को मेरे अपनों का बता दिया कि कौन अपना है कौन पराया है। हर नेगेटिव एस्पेक्ट को आपको ही देखना है उसमें क्या पॉजिटिविटी छुपी हुई है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। ओके गाइस, सो ये थी धनु राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। आई लव टू सी योर कमेंट्स और मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा ये चैनल। मैं आऊँगी और डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।